हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो गया सुबह के 6 बज गया। 5 बजे मोटर चलाई थी, 5:30 बजे तक बंद कर दिया और रात को ये बारिश। तो गाइस, लड्डू सो रहा है इसलिए चुपचाप चुपचाप सारा नाश्ता बनाना पड़ेगा। और इस अब मैं बना रही हूँ कनम के लिए लंच बॉक्स। उसके लिए ले लिया है ये चॉपर और इसमें मैं कट करूँगी एक कैरेट एंड ककम्बर। बारीक बारीक काट कर उसमें डाल दिया और ये चॉप कर दिया है। और इसमें मैं मिलाऊंगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 1 स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। और ये मैंने धनिया वाली चटनी लगा दी है, कनक को कल अच्छी लगी थी। और अब इसको टोस्टर में रख दूँगी तो बन जाएंगे टोस्ट। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी टोस्ट हो गए हैं रेडी। तो आज मेरा व्लॉग बन गया है फूड व्लॉग, नाश्ता व्लॉग एंड राजमा व्लॉग। हम शाम को राजमा बनाएंगे। और ये चलती है लिफ्ट में, लड्डू कर रहा है बाय बाय। लड्डू को बहुत अच्छा लगता है लिफ्ट आती है। 7 o'clock हो गए, कल हो गया अब स्कूल टाइम हो गया उसका। और लड्डू वहाँ सो रहे हैं, अब जब तक ये सो रहा है मैं थोड़े से कपड़े पैक कर दूँ, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर लीजिएगा। लड्डू की नींद खराब ना होए, इसीलिए कितने आ रहे आज बिल्कुल 9 बजे रेडी हो गई है ना। आज लड्डू के साथ खेली खेली भी नहीं करी, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तेरा डाटा बैग नहीं उठा रहे क्या? नहीं, बैग में उठा रहती हूँ। चलो तेरा डाटा बैग तो लो। हाँ, उसको यह ना कि आप लिफ्ट में जाओगे, उसको अच्छा लगता है। खोल दिया, वो तो खोल दिए। हाँ, आ जाओ। हाँ, नीचे तक जाएगा। नीचे तक जाएगा। चाप भी तो लो, फिर चाप लो। लो। नीचे तक जाएगा। अंदर। हाँ। बंद तो करके आते हैं। कोई नहीं, अभी आता रही हूँ। मजा आता है जब वो आती है, ये देखता ओ आ गई रे। मोबाइल ले लिया? हाँ। हैंकी ले लिया था? ये देखो। इसको ना लाइटिंग बड़ी अच्छी लग गई, येलो येलो डेकोरेटिव सा लगता है इसको। कह रहा वाओ। सारा दिन तेरे को लूट में बिठा दूँ हैं? अरे कैसे घुस रहा है, कैसे घुस रहा है। हाँ, बहुत खुश हुई, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? देख रहा कैसे ऊपर यहाँ से आ गए। इसको दिख रही है अपनी शक्ल? बहुत भारी हो रहा है यार, कितना सामान है इसमें। चाबी चाबी तो लूंगी पहले से। तो लाओ, जाओ बेटा। ओके ओके, हाँ ठीक है। कह रहा मुझे भी चलना घूमने के लिए। चलो चलो जाओ। ओके, आ गई। यही थी ये, तो कहीं नहीं गई थी, है ना? तार सा कटक होता है।
बताना पड़ेगा। लग तो नहीं रहा बारिश आएगी। चलो अभी सब समेटूंगी। अब आप थोड़ी देर का तो वॉकर में बैठो, नहीं तो जब आप सो जाओगे तब हम काम करेंगे, ठीक है ना? चलो मैं बच्चा, ओके। भाई डर डूब गए हैं। सो देखो क्या हाल मचाया है, न्यूज़पेपर ये यहाँ पे सब फाड़ फोड़ के सब फैला दिए। और मैं सोच रही हूँ अपने खाने के लिए कुछ बना लूँ, भूख सी लग रही है। उठ ना जाएंगे तो फिर बैठना बच जाएंगे। अभी तक आया नहीं है, मैं फिर आवाज़ आ रही मुझे शीश, मतलब सब वर्ड तो समझ लिया लेकिन चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं पता नहीं कौन सा बच्चा, मुझे लगा सामने वाला घर में कोई बच्चा चिल्ला रहा। फिर मम्मी ने पूछा, तू चला था मेरी बहन, कुकर में सीटी आएगी, सीटी सीटी आ गई। आजा लड्डू दिखाओ, दिखाना बाबू, दिखाना दिखाओ तो सही। अच्छा इरिटेट हो रहा है, ये लिए सेफ्टी गार्ड। कल परसों लड्डू का वॉकर पलट गया था तो ये अब कनव का स्केटिंग का ये, और अब ये लड्डू को पहना दिया है। और लेकिन लड्डू का रात को हटाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई सेफ्टी फेफ्टी है ना। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, वो भी बिना टमाटर के। कैसा बनेगा पता नहीं, लेकिन हाँ उसके अलावा टमाटर के अलावा क्या क्या डालना है जिससे ग्रेवी हो जाए वो मैंने खूब वीडियोस देख देख के सर्च करा। तो गाइस टमाटर के अल्टरनेटिव ढूंढ ली है, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में कहा था टमाटर के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव ये ढूंढ लिया है कि कद्दू। जी हाँ, जैसे हम हमारे यहाँ तो पेठा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, वैसे उसका एक नाम कद्दू भी है। तो ग्रेवी के लिए हम कद्दू को मिक्सी में ग्राइंड करके उससे बनाएंगे ग्रेवी। और खटास के लिए हम लेंगे, ओ माय गॉड ये देखो लड्डू के पास क्या है, ये खट्टे के लिए हम ये लेंगे आम्बी। लड्डू आम्बी खा रहा है, देखो देखो लो बड़का है। ये लच्छा, अच्छा ले लो ले लो। और इसकी जगह हम आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और रेडनेस के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो सब्जी में कलर के लिए होता है वो मैं ले आई हूँ। मैं तो लेके आई हूँ देखो MDH का, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि उससे कलर आ जाता है सब्जी में। और एक और ट्रिक हम ग्रेवी के लिए यूज कर सकते हैं उसी सब्जी को जिसे हम बना रहे हैं, जैसे कि आज मैं राजमा बना रही हूँ तो इसमें से मैं थोड़ा सा राजमा निकाल के उसको मैश कर लूंगी और उसको ही ग्रेवी में यूज करूंगी। और साथ के साथ मैंने बॉईल किया है एक पोटैटो, उसको भी मैं बिल्कुल मैश कर लूंगी और ग्रेवी की थिकनेस के लिए उसको यूज करूंगी। आज मैं कद्दू यूज नहीं करने वाली हूँ राजमा में, मैं सिर्फ राजमा से और आलू से ही ग्रेवी बनाऊंगी। और बाकी मैं खटाई के लिए ये आम्बी और रेडनेस के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करने वाली हूँ। तो देखते हैं राजमा कैसा बनता है, खाने लायक बन जाए यार। मतलब बिना टमाटर के थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन क्या करें मजबूरी है। टमाटर 300 रुपये किलो, आज पता नहीं क्या रेट होगा, कल जब मैं गई थी तब तो 300 रुपये बोल रहा था दुकान भैया। तो गाइज मैंने ये ऑनियन को बारीक चॉप्ड कर लिया है, मैंने इसमें दो प्याज भून रही है और मैंने ये इसमें एक आलू और थोड़े से राजमा ये भी इसमें बिल्कुल मैश कर लिया, बारीक बारीक से हो गया। तो गाइज ये मैंने बना दिए हैं राजमा, वो भी बिना टमाटर के। कैसे लग रहे हैं? टेस्टी। देखो लग रहा है ना, नहीं लग रहा पता चल रहा कि क्या नाम कहते हैं, टमाटर नहीं है इसमें।